जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह मैंने 10 बजे से किया था पढ़ना शुरू। सबसे पहले मैंने क्वांट का किया, क्वांट में 2 DI सोल्व करी प्री लेवल की। उसके बाद मैंने 10-10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज के किए, और लास्ट में 20 क्वेश्चन किए थे अर्थमेटिक के, 10 कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक में से और 10 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में से किए थे। उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स का पढ़ा। करंट अफेयर्स में पहले अगस्त मंथ की रिवीजन करी थी, एक टॉपिक रह रहा था लास्ट, उसमें कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप वाला वो किया। उसके बाद 12 सितंबर के करंट अफेयर की PDF रीड करी थी और 11 सितंबर के करंट अफेयर की PDF पे बेस्ड टेस्ट दिया था, जिसमें से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे। 3 क्वेश्चन उसमें गलत हुए थे, तो स्कोर था उसमें मेरा 16.25 out of 20। उसके बाद फिर मैंने लंच किया था। थोड़ी लेट हो गया था आज मेरा लंच, क्योंकि करंट अफेयर्स मेरे रह रहे थे तो मैं उन्हीं को कंप्लीट कर रही थी। लंच किया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था। फिर मैंने एक मॉक अटेम्प्ट किया था IPPSPO का, ये लर्निंग नीति से किया था ये वाला। इसमें रीजनिंग में मेरे 25 हुए, सारे सही थे 25 के 25। इसमें मेरे पास 2 मिनट बचते थे और 2 पज़ल बचती थी। उन दोनों पज़ल में से कोई सी भी पज़ल 2 मिनट में बनी नहीं सकती थी, पर फिर भी मैंने ट्राई किया, कंप्लीट नहीं हुई थी। और क्वांट में मैंने 18 किए थे, 2 मेरे गलत थे। इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट कम हुए, क्योंकि मैंने इंग्लिश में RC में बहुत टाइम ले लिया था। मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक ही पहुंची, उसके बाद वाले क्वेश्चन सारे रह गए मेरे। और जो मैंने मैच द कॉलम में 5 क्वेश्चन थे मैच द कॉलम के, उसमें से 4 किए, 4 में से 3 गलत करके थे, जबकि वो बहुत छोटे छोटे थे, पर ऐसे कन्फ्यूजिंग से थे ना कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, फिर वो गलती हो गई मेरे तीनों, और 1-2 मेरा RC का गलत हुआ था। उसके बाद फिर मैंने उस मॉक की कंप्लीट एनालिसिस करी। एनालिसिस करने के बाद फिर मैं इवनिंग वॉक पे चली गई, और आज का इवनिंग व्यू कुछ ऐसा था, बारिश आने वाली थी, सारी तरफ ब्लैक ब्लैक्स हो गया था, और ये किसी की जीरी में से येल्लो येल्लो कुछ उड़ के बाहर आ रहा था। इतना फिर मैं घर आई, थोड़ी देर बाद बारिश आ गई, थोड़ी देर बाहर खड़े होकर बारिश देखी। उसके बाद फिर मैंने एक क्वांट की मीन्स की क्लास करी थी, वो क्लास 2.25 घंटे की थी, मैंने हाफ ही करी थी वो क्लास। जितना मेरा हाफ हुआ था उसमें 9 क्वेश्चन तक पहुंची थी मैं, वो 9 क्वेश्चन तक करी बस। उसके बाद फिर मैंने किया इंग्लिश में, इंग्लिश में थोड़ी देर वो कैब रीड करी थी और थोड़ी सी ग्रामर करी थी। उसके बाद मैंने एडिटोरियल के लेक्चर की क्लास देखी थी। बस इतना ही किया था मैंने आज। ये थी मेरी टू डू लिस्ट जो भी पूरे दिन में किया था। टोटल स्टडी आवर्स थे अप्रोक्स 9 घंटे, 9 आवर्स।